Welcome to the session for today. We are going to discuss a very important topic of geography, that is cyclones, and in that we will be discussing tropical cyclone in this video, right? So all of the people who are there in this session, welcome you all. और ये फटाफट सीरीज का इनिशिएटिव है जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जीएस में. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग 1500 टॉपिक्स ऑफ जीएस विच आर मोस्ट क्रूशियल फॉर द डिफेंस एग्जाम्स, राइट? सो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस प्लेलिस्ट आल्सो देयर अवेलेबल. वी विल बी कवरिंग अप ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल स्टडीज, बीट योर ज्योग्राफी, बीट योर पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स. ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप. सो दिस इज गोइंग टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्सेप्ट्स. और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर यूपीएससी बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, एंड वी हैव ट्राइड टू कवर अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल विद दीज टॉपिक्स. जैसे यहाँ पर अगर साइक्लोन्स के देखें क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कि भाई पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उसमें डायरेक्शन पूछा हुआ. ठीक इसी प्रकार कंडीशंस क्या चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए, ये क्वेश्चन था जी. इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी सीडीएस में पूछा गया. ये भी मेरे भाई, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज कैरेक्टर बाय स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, टॉलेस्ट क्लाउड्स एंड हैवीएस्ट रेन, ये कौन सा होगा स्ट्रक्चर. उसके बाद सीएपएफ में पूछा गया ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या क्या कंडीशन है. बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप देखें कम से कम चार बार यही पूछा हो कंडीशंस, तो क्यों ना हम प्रॉपरली समझें, स्ट्रक्चर को समझें, सारी चीज़ों को साइक्लोन के बारे समझें. सबसे पहली चीज़ हमारे जो दिमाग में आती है, यार साइक्लोन होते क्या है. साइक्लोन इज ऑल्सो अ विंड. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, साइक्लोन भी एक विंड है, लेकिन विंड कौन सी, जो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमती है, विच मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन. सो यू कैन से साइक्लोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ विंड विच मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन, दैट इज वॉट वी कॉल इट एज साइक्लोन. सो आइए ज़रा आप समझें दो, साइक्लोन होता क्या है और इसके बारे. सबसे पहली चीज़ याद रखिए, साइक्लोन हमेशा सर्कुलर मूवमेंट तो समझ आता है, लेकिन इसमें एक कॉमन कॉज क्या होगा, हमेशा सेंटर पे क्या बनेगा, लो प्रेशर. जब सेंटर पे लो प्रेशर होगा, चारों तरफ से हवा अंदर को आनी शुरू होगी, और आपको पता ही है विंड हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो चारों तरफ से हवा अंदर को आएगी, एंड दैट विल मेक द मूवमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन. दिस को कहते हैं हम साइक्लोन. तो सबसे पहली चीज़ क्या, इट इज़ करेक्टराइज बाय लो प्रेशर एट द सेंटर. इसके बिल्कुल विपरीत एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, एंटी साइक्लोन. और वो क्या होता है, जहाँ पर सेंटर पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और वो बिल्कुल ही इसके विपरीत होगा. अभी समझेंगे उस चीज़ को भी आके. अगली चीज़, हम साइक्लोन के बारे बार बार कंसर्न होते हैं इसकी मूवमेंट के बारे, क्योंकि यूपीएससी इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन उलझाता है कि यार इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्शन में तो दो ही मूवमेंट्स होती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप देखें दोस्त, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होगी. इसका कारण क्या है, वो बेसिकली क्रियोलिस फोर्स है. इसको आपको अंदर गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फिलहाल और पेपर के लिए आपको ये याद रखना है कि जो दो साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन. ये ANC फार्मूला आपके काम आएगा, क्योंकि ANC यही फार्मूला आप एंटी साइक्लोन के लिए भी यूज़ करते हैं. ए फॉर एंटी साइक्लोन, एन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो क्लॉकवाइज होगा. जबकि यही चीज़ अब जब हम सी से साइक्लोन बनाएंगे तो एन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज. मतलब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ऑपोजिट घूमते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. आई होप एवरी बडी इज क्लियर अबाउट दिस मूवमेंट पार्ट ऑल्सो. आइए ज़रा तीसरी चीज़, मैंने अभी बताया ही ना मूवमेंट का कारण क्या, गोल घूमने का कारण बेसिकली क्यों है, क्रियोलिस फोर्स के कारण. वो चीज़ हम समझेंगे, क्योंकि विंड सिस्टम में मैंने प्रॉपरली आपको समझा रखा कि विंड सिस्टम में साइक्लोन कैसे मूव करता है और ये गोल घूमती क्यों है, करोलिस फोर्स के कारण. और ये चीज़ याद रखिएगा, अगर करोलिस फोर्स होगी तभी साइक्लोन डेवलप होगा, अगर करोलिस फोर्स नहीं है तो साइक्लोन कभी फॉर्म नहीं होता. तो इसी कारण इक्वेटर पे साइक्लोन कभी बनता ही नहीं है. इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? ये बहुत ही बेसिक पहले आपको समझाया, अब इसको प्रॉपरली डिटेल में जाएंगे, क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए साइक्लोन होता क्या. विंड ही है मेरे भाई, जो बहुत तेज़ बहुत ही हाई स्पीड में विंड चलती है वो डिस्ट्रक्शन करेगी, इसलिए रादर साइक्लोन को नेचुरल डिजास्टर भी कहा जाता. आइए ज़रा यही लिखा है, दीज आर द वॉयलेंट स्टॉर्म्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दे ऑलवेज. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइक्लोन वैसे दो प्रकार के होते हैं दोस्त, एक टेम्परेट होते हैं एक ट्रॉपिकल. इस सेशन में हम ट्रॉपिकल के बारे डिस्कस करें, तो फोकस ऑन दिस थिंग. ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनने का कारण और टेम्परेट साइक्लोन बनने का कारण दोनों अलग हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ओशन के ऊपर पानी के ऊपर बनते हैं, जब पानी गर्म हो, क्लियर है?
और जब पानी के ऊपर बनेगा ये मूव करेगा कोस्ट की तरफ, दैट इज हाउ दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्ट्रक्शन लाते हैं. आपने अभी भी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में देखा था साइक्लोन आया, और सभी लोग अपना आंसर लिखे कमेंट सेक्शन में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन विच केम इन वेस्ट बंगाल दिस ईयर. क्लियर है जी? आजकल न्यूज़ में, अभी सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो आजकल अमेरिका में कोई साइक्लोन आ रहा है वो भी न्यूज़ में, उसका भी नाम लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में. अब ज़रा बात करेंगे. तो यार साइक्लोन बेसिकली डिज़ास्टर क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेज़ हवा है. तेज़ हवा तो तबाही मचाता है. तबाही कहाँ पर मचाएगा? सारी लैंड जो भी है वहाँ पर, रास्ते में पेड़ आएंगे, खंबे आएंगे, सब तोड़ता जाएगा, क्योंकि विंड की स्पीड ही बहुत ज़्यादा. सो दीज आर वेरी वायलेंट हैवी रेनफॉल, वेरी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. तो समझ आ गया जी, इसको इसीलिए डिज़ास्टर कहा जाता है. और ये इररेगुलर विंड डायरेक्शन इन्वॉल्विंग सर्कुलेशन, हवा कैसी हो रही है, सर्कुलर मूवमेंट और लो प्रेशर एट द सेंटर. ये पहले क्लियर है जी. ट्रॉपिकल साइक्लोन याद क्या रखना भाई, पानी में बनता. क्यों, कैसे, लॉजिक. आप अगर देखें पंजाब में कभी साइक्लोन नहीं आएगा, हरियाणा में कभी साइक्लोन नहीं आएगा, सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में इंडिया में साइक्लोन आता है. कारण समझ आ चुका आपको, क्योंकि पानी में बनता है. अगला, इट इज़ अ क्लोज एयर सर्कुलेशन, अंदर को घूम रहा है. तो भाई इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए हॉट एयर. जब भी लो प्रेशर बनता तो वो क्यों बनता है? क्योंकि हवा गर्म ऊपर को उठ रही है. तो मेरे भाई अपवर्ड मूवमेंट हो रही है. एक सेकेंड, डायग्राम यहाँ से ही बनाना शुरू करूँगा. यहाँ से अंदर को आ रहा है, ये लो प्रेशर है, ये हवा ऊपर को मूव करती जा रही है, दिस इज़ अपवर्ड मूवमेंट. और इधर से मूवमेंट होती जा रही है, और ये सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर, दिस इज़ हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म. आगे डायग्राम्स हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे जी. अब आइए वापस. द लो प्रेशर एट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड स्पीड. एक स्क्वेल क्या होता है? अ सडन वायलेंट गस्ट ऑफ विंड, लोकलाइज स्टॉर्म, स्पेशली वन ब्रिंगिंग रेन, स्नो एंड स्लीट. इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया स्क्वेल. और एक होता है टॉरेंट, टोरेंशियल रेनफॉल, आप सुनते होंगे, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और द लिक्विड्स. आपने देखा है टोरेंशियल मतलब बहुत तेज़ मूसलधार बारिश को हम टॉरेंट यूज़ करते हैं. साइक्लोन विंड मूवमेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज. और कारण कोरियोलिस फोर्स हम बात कर चुके हैं, ये रीज़न भी आप याद रखिए. नेक्स्ट आइए. अब अगर देखें मेरे भाई, साइक्लोन को ना बेसिकली हम तीन एरियाज में बांटते हैं. सबसे पहले बिल्कुल जो अभी हम समझेंगे, सबसे पहले इनर सर्कल होगा, इनर रिंग. क्लियर है? द रिंग रैपिडली आउटर, उसके आसपास आउटर रेडियस होगा ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर. इनर रेडियस आउटर एंड इन दिस रीजन द विंड्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन टूवर्ड्स सेंटर. विंड की स्पीड यूनिफॉर्मली अंदर को बढ़ती जाती है. अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेकेंड रीजन, दैट इज़ आई वॉल. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई. अब वैसे आपको समझा देता हूँ, सेंटर पे होता है एक आई, साइक्लोन के आई इसके आसपास होता है जहाँ पर विंड मूव करती है, उसको आई वॉल कहते हैं. और इसके किनारे पे होगा आउटर सर्कल. एक चीज़ और समझ लीजिए, आई जो है बिल्कुल कूल एंड काम कंडीशन है. यहाँ पर मेरे भाई जो सेंटर होता है ना साइक्लोन के, वहाँ पर हवा नहीं चलती बहुत तेज़, बल्कि उस सेंटर के पेरिफ्री पे बहुत तेज़ हवा चलती जिसको हम आई वॉल कहते हैं. यही चीज़ आप देखते हैं जी. सो द विंड्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन स्पीड टूवर्ड्स द सेंटर. जैसे जैसे आप बाहर से अंदर आ रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सेंटर पे नहीं होगी. तो विंड, ये लिखा हुआ ना, विंड स्पीड अटेन मैक्सिमम एट सेकेंड रीजन, दैट इज़ द आई वॉल, जो कि 15 to 30 किलोमीटर अराउंड फ्रॉम द सेंटर होगा. आई वॉल इज टर्न सराउंड द इंटीरियर रीजन, दैट इज कॉल्ड एज आई, वेयर विंड स्पीड डिक्रीजेज रैपिडली एंड एयर इज ऑफन काम. बहुत ही ईजिली आप लोग समझ चुके हैं. तो भाई आई क्या है? वो बहुत काम जोन है, और उसके पेरिफ्री पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है जिसको हम आई वॉल कह रहे हैं, वो बहुत तेज़ होगा. सो इसको ग्रेटर डिटेल में अब अगले स्लाइड में चेक करेंगे. आई होप एवरी बडी इज़ गेटिंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. सो इज़ एवरी बडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? ये दोस्त आपका ये साइक्लोन, इसी प्रकार ये एंटी साइक्लोन जहाँ पर हाई प्रेशर है. क्लियर है जी? मैं पहले ये डायग्राम समझा देता हूँ. हाई प्रेशर होगा तो भाई बाहर को हवा निकलेगी, समझ रहे? लो प्रेशर होगा तो अंदर को हवा आएगी, और इसको हम साइक्लोन कह रहे हैं. एक चीज़ और देखेंगे, डाइवर्जेंस अलॉफ्ट. ये जब अंदर को, नीचे से तो भाई अंदर को आ रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा तो बाहर को निकलेगा. ट्रोपोस्फेयर में ये बाहर को निकलेगी हवा. इसको डायग्राम को और समझाऊंगा जी. और जबकि एंटी साइक्लोन में क्या है, ऊपर से हवा नीचे को बैठ रही है. क्लियर है जी? आपको दिख रहा है ऊपर से, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है ऊपर ट्रोपोस्फेयर में, यहाँ पर कन्वर्जेंस. ये प्रॉपरली आपको दिखाया जा रहा है, ये ज़मीन पर जो आपका सर्कुलर डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, और ऊपर कैसे मूवमेंट होगा वो चीज़.
अब ये पॉइंट आपके बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये सब याद रखने। नंबर वन, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पहला पॉइंट, टेम्परेचर हाई होना चाहिए साइक्लोन बनने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा, करियोलिस फोर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करियोलिस फोर्स बनेगी तभी तो गोल गोल घूमेगा, तो नेसेसरी है। अगर करियोलिस फोर्स नहीं है तो साइक्लोन नहीं बनेगा, इसीलिए इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड शेप स्पीड, ऊपर वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि यार हवा इकट्ठी आए ना, ये पूरा का पूरा जोन आ रहा हो, तो दैट शुड बी देयर। क्लियर है जी? इज एवरीबडी क्लियर बोलो दिस थिंग? नाउ नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, ये भी ज़रूरी है भाई, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और जहाँ से आसपास होगी, और ऊपर क्या होना चाहिए? अपर एयर डाइवर्जेंस। तो ये पांच पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा क्लियर। अपर लेवल डाइवर्जेंस हम समझ चुके हैं पिछले डायग्राम में, वेरिएशन कम होना चाहिए विंड स्पीड में, लो प्रेशर एट द सेंटर और प्रेजेंस ऑफ करियोलिस फोर्स। आइए ज़रा इसको देखें, ये चीज़ समझ आ चुकी है। यहाँ से अंदर को हवा आ रही है, यहाँ से अंदर को हवा आ रही है, और ये गोल गोल घूम रही और ऊपर को बाहर को, यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। ये क्या है? साइक्लोन। और ये क्या है? एंटी साइक्लोन। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए दोस्त। ये हमारा एंटी साइक्लोन दिखा रहा है, गोल घूमना दोनों में है, डिस्ट्रक्शन सिर्फ साइक्लोन में होनी, उसका भी कारण है यार, जब आप अंदर को एनर्जी तारों चारों तरफ से एक जगह पर एनर्जी फोकस हो रही, तो नेचुरली एनर्जी बूस्टअप हो रही, ऐड हो रही है। जब यहाँ पर एनर्जी बाहर को निकल रही है चारों दिशाओं में, तो भाई ये क्या हो रहा है? एनर्जी बाहर को निकल रही है, तो ये यहाँ पर कंसनट्रेट ही नहीं हो रही। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, इसको हम साइक्लोन कह रहे हैं, ये चीज़। और बाहर डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर को तो जा रहा है लेकिन ऊपर को डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ये समझ आ चुका है, आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस साइक्लोन एंटी साइक्लोन। अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो आई आई वॉल और स्पायरल बैंड्स जो हमने डिस्कस किए हैं। आई इज़ अ सर्कुलर एरिया ऑफ कंपेरेटिवली लाइट विंड्स एंड फेयर वेदर फाउंड एट सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन। कोई बारिश नहीं होगी और ब्लू स्काई होगी, स्टार्स कैन बी सीन। आई इज़ एन एरिया विद काम वेदर डिसेंडिंग एयर, एयर नीचे बैठ रही है यहाँ पर, करेक्टराइज बाय लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काइज। लोएस्ट सर्फेस प्रेशर है, प्रेशर कम है, वार्मेस्ट टेम्परेचर अलॉफ्ट, ऊपर ऊपर वार्मेस्ट टेम्परेचर। द आई टेम्परेचर में भी 10 डिग्री वार्मर और मोर एट एन एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर द सराउंडिंग। 0 to 1-2 degree वार्मर एट द सरफेस, ये कुछ नहीं आपने सिर्फ याद रखना। और आई का रेडियस कितना हो सकता है? 2 किलोमीटर, 8 से लेके 200 किलोमीटर तक रेंज हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 किलोमीटर। तो ये था मेरे भाई, आपने समझा, आई आई वॉल जो है सर्कुलर रिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सरफेस विंड्स हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सस्टेन विंड्स, फास्टेस्ट विंड्स, ये हम समझ भी चुके हैं। सो द आई इज़ कंपोज ऑफ स्लोली सिंकिंग, द आई वॉल इज़ नॉट नेट एन अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर को मूवमेंट हो रही है। सो कंप्रेशनल वार्मिंग, ये समझ आ रही है। विंड रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन द रीजन एंड टोरेंशियल रेन अकर्स हेयर आई वॉल में। सो रेन बैंड्स में रेडिएट रेन्स ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स आपको मिलेंगे आउटर रीजन में। आइए ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं गहराई में, आपको सिर्फ आई और आई वॉल को समझना है दोस्त। ये है दोस्त साइक्लोन का एक वैसे डायग्राम, ये सेंटर पे आई है और इसके आसपास आई वॉल है, ये बिल्कुल सेंटर पे आई, इसके आसपास आई वॉल और ये बाहर का एरिया, ये प्रॉपरली साइक्लोन बना। यही एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको कॉपी किया गया। सेंटर पे भाई आई और इसके आसपास हवा चल रही है इस प्रकार, और सबसाइडिंग एयर को आई कह रहे हैं। यही प्रॉपर डायग्राम, आउटफ्लो हो रहा है ऊपर, अपर डाइवर्जेंस, अंदर कन्वर्जेंस हो रहा है, डायरेक्शन हम समझ चुके हैं। ये था आई का। अब साइक्लोन के नाम भी है भाई, ये भी कई बार पूछ लेता है। हरिकेन कह देते हैं हम अटलांटिक ओशन यूएसए में, टाइफून्स कह देते हैं हम चाइना में, जापान में, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, साइक्लोन इंडिया, और बुई गुई कहते हैं हम फिलीपींस में। याद रखिएगा, ये भी कई बार पेपरों में एनडीए में पूछा जाता, सीडीएस में पूछा जाता, सीएफएफ में, ये नाम भी पूछ सकता आपसे। आइए ज़रा आप क्वेश्चन देखें। अब यार इस क्वेश्चन में देखें, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो नंबर वन, काउंटर क्लॉकवाइज एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। सेकेंड, क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द सेंटर, काउंटर क्लॉकवाइज टूवर्ड्स द सेंटर। भाई अगर उसने कह ही दिया लो प्रेशर, तो लो प्रेशर का मतलब क्या दोस्त? इट्स अ साइक्लोन फर्स्ट ऑफ ऑल, और अंदर को जाएगी मूवमेंट, अंदर को जाएगी। और कहाँ का है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको निमोनिक याद है, ANC,
सी फॉर साइक्लोन, एन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, सो काउंटर क्लॉकवाइज टूवर्ड सेंटर, सी ऑप्शन। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ठीक है। नंबर वन ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई वार्म एयर की चाहिए, मॉइस्ट एयर की, वैल्यू ऑफ करोलिस फोर्स भी चाहिए। तीसरा इनफ्लो ऑफ एयर एट अपर लेवल, गलत है ना, आउटफ्लो चाहिए, तो उसको अपर लेवल पे आउटफ्लो होना चाहिए। आपने देखा डायग्राम्स में, कम से कम तीन बार ही पढ़ लिया, डाइवर्जेंस ऑफ द एयर एट अपर लेवल, तो ये गलत है, वन एंड टू शुड हैव बीन द आंसर। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, साइक्लोन बनने के लिए या आईएएस के हैं या सीएफएस के हैं। लो प्रेशर सेंटर ठीक है जी, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी ठीक है, इट इज़ अ वार्म कोर सिस्टम, सब ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड टॉलेस्ट क्लाउड्स इन द हैवीएस्ट रेन, अभी हमने समझा इस चीज़ को प्रॉपरली थॉरली, आई वॉल वो होगा, आई तो नहीं हो सकता ना, वार्म कोर ना कुछ। अगला सी एफ एफ 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जी, इट ओरिजिनेट्स एंड डिवेल्प्स ओवर वार्म ओशनिक सर्फेस, वेरी राइट, प्रेजेंस ऑफ करियोलिस फोर्स इज रिक्वायर्ड, इट अकर्स इन मिडल लैटिट्यूड, ये गलत हो गया ना दोस्त, मिडल लैटिट्यूड कहाँ पे, मिडल लैटिट्यूड में तो टेम्परेट एरिया था, हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो थर्ड गलत है। चौथा आई विद द कॉम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन, वन टू एंड फोर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। तो आपको आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ